मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास, लेसन नंबर 3, साइंस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। ये आपका लेसन जो है 2 दिन पहले स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें धातुओं की उपस्थिति के बारे में परिचय, धातुओं का प्राप्ति स्थान, इस पर हम पहले वीडियो में बच्चों चर्चा कर चुके हैं। अब इससे मैं बढ़ेंगे आगे अधातुओं की उपस्थिति, कि अधातु कहाँ पाई जाती हैं। जिस तरीके से धातुओं की उपस्थिति के स्थान कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे ही अधातुएँ हैं, अधातुओं के बारे में भी ये कहाँ पर पाई जाती हैं। ये भूपटल अर्थात जमीन पर और वायुमंडल दोनों में पाई जाने वाली वस्तुएं धातुएं हैं। ऑक्सीजन जैसे अधातुएं महासागरों में पाए जाते हैं, अर्थात कुछ अधातुएँ महासागरों समुद्रों में भी पाई जाती हैं। कुछ अधातुओं को पृथ्वी से उपयोगी रूप में प्राप्त किया जा सकता है, अन्य अधातुएँ अयस्क रूप में पाई जाती हैं। कुछ धातुओं को पृथ्वी से भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु कुछ अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, जिनको बाद में संशोधित करके या परिष्करण करके उनको शुद्ध किया जाता है उपयोग में, उसके बाद निष्कर्षण संशोधन के बाद ये फिर उपयोग में लाई जाती हैं। उदाहरण के लिए हैलाइट के विशाल निक्षेप उपयोगी रूप में पाए जा सकते हैं, लेकिन एस्बेस्टस को अन्य खनिजों जैसे सरपेंटाइन से पृथक किया जाता है। अभी आपको बताया जाता है कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं और उनको हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं, किंतु कुछ धातुएं बच्चों ऐसी होती हैं जिनको अयस्क के रूप में या किसी अन्य पदार्थ के रूप में प्राप्त किया जाता है और उसके बाद संशोधित करके उसको उपयोग में लाने लायक बनाया जाता है। अब है पॉइंट बच्चों धातुओं के सामान्य भौतिक गुण, कि धातुओं के भौतिक गुण क्या हैं। पिछली कक्षाओं में भी हम इनको पढ़ चुके हैं कि धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। भूरे रंग की होती हैं, सोना और तांबा इसके तरीके से अपवाद हैं, क्योंकि सोने और चांदी में और तांबे में अत्यधिक चमक होती है। बाकी अधिकतर जो धातुएं हैं वे हल्के भूरे रंग की होती हैं, सोना चांदी तांबे को छोड़ते हुए, क्योंकि ये अत्यधिक चमक वाली वस्तुएं होती हैं। ये कमरे के ताप पर ठोस हो जाती हैं और सामान्य परिस्थितियों में अपने आकार को बनाए रखती हैं। उदाहरण के लिए इसे गैलियम में पारा है, सीजियम में ब्रोमीन है, अनबियम तरल और फ्रांसियस तरल होते हैं। धातुएं अधिकतर चमकदार होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, धातुएं चमकदार होती हैं अर्थात धात्विक चमक होती है, और चमकदार होने के कारण ही ये जो धातुएं हैं जेवर बनाने में, सजावटी सामान बनाने में अत्यधिक उपयोग में लाई जाती हैं। जैसे सोना चांदी हैं, शीशे के पीछे धातुओं की पतली परत चढ़ाई जाती है, चांदी शीशों के लिए एक बढ़िया प्रावर्तक है। इस तरीके से ये, क्योंकि ये सभी गुण क्यों हैं, क्योंकि इनके अंदर धात्विक चमक पाई जाती है। गलनांक जो बहुत उच्च श्रेणी का होता है, सोडियम पोटेशियम गलनांक निम्न अलग अलग होते हैं। धातुओं का घनत्व उच्च होता है, सोडियम और पोटेशियम जल से हल्के होते हैं। ये जो अपवाद हैं वो अलग अलग आपको बताए गए हैं, और ये सभी धातुओं के भौतिक गुण हैं। धातुएं ध्वनिज होती हैं, अर्थात ये आपस में टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जब हम दो धातुओं को आपस में टकराएंगे तो एक मधुर ध्वनि पैदा होती है। इसका उपयोग घंटियाँ बनाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा तांबे की घंटी बनाई जाती है, जिसकी आवाज़ अत्यधिक होती है, मंदिरों में काम आती है। और घंटी जो है मंदिरों में काम आती है, और वो क्योंकि आवाज़ उसमें ज़्यादा होती है, इसलिए उसको कॉपर की बनाई जाती है, पीतल की बनाई जाती है। जो वाद्य यंत्रों के जैसे सितार हैं, गिटार हैं, इनके जो तार होते हैं बच्चों, ये भी अधिकतर तांबे के ही बने होते हैं, धातुओं के बने होते हैं। सामर्थ्य बहुत अधिक होती है, धातुओं की सामर्थ्य अधिक होती है, और टंगस्टन का तनन सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। जैसे टंगस्टन का तार होता है जो विद्युत बल्ब के तंतु में लगा होता है, टंगस्टन धातु का, और उसमें सबसे अधिक सामर्थ्य होती है। ये कारण है कि विद्युत प्रवाह जब उसमें प्रवाहित की जाती है तो चमक के साथ जल उठता है और काफ़ी दिन तक वो उसकी गर्मी को झेलता है। धातुएँ होती हैं ड्यूकलाइट होती हैं, धातुओं में तार बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा एल्युमिनियम कॉपर, एल्युमिनियम का तार बनाया जाता है, कॉपर का तार बनाया जाता है,
सोने और चांदी के भी तार बनाए जाते हैं क्योंकि उनमें तन्यता का ऐसा गुण पाया जाता है। धातुएं बहुत अधिक मजबूत होती हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए जितने भी बिजली के तार हैं, बिजली का काम है, वो सब कॉपर में और वायर एल्युमिनियम में किया जाता है। इसके साथ साथ इनमें और भी कुछ गुण हैं, जैसे धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इनका खाना पकाने के लिए बर्तन, वायलर, लोहे, तांबे और एल्युमिनियम के तार इससे जो हैं बच्चों बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है धातुओं के सामान्य रासायनिक गुण। अब तक तो हमने भौतिक गुणों का अध्ययन किया है, अब हैं धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण हैं, जैसे भी आप इसमें समीकरण में देख रहे हैं कि कोई भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके उसका ऑक्साइड बनाती है, SO2 का निर्माण करती है, जैसे S प्लस O2 बराबर SO2। समझ सकते हैं इनको। ऐ धातुओं को जब वायु में जलाया जाता है तो वे ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपने ऑक्साइड बनाती हैं। अधात्विक ऑक्साइडों के जल में विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं और उनकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है, जैसे S प्लस O2 बराबर SO2। SO2 को जब H2O के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये H2SO3 अर्थात सल्फ्यूरस अम्ल में बदल जाता है। जब इसको वायु में जलाया जाता है जैसे Mg+O2=MgO, MgO+H2O = MgOH का होल ट्वाइस अर्थात मैग्नीशियम डाईहाइड्रोक्साइड बनती है। ये इसके धातुओं के रासायनिक गुण हैं। अब धातुओं और अधातुओं के प्रमुख गुण एक साथ और दोनों में अंतर। धातुओं के प्रमुख गुण हो जाएंगे, आप देख रहे हैं एक लाइन में धातु गुण हैं, दूसरे में धातुएं, तीसरे में अधातु। जैसे नंबर एक ध्वनिज, पैदा आवाज़ पैदा करने के लिए अभी आपने पढ़ाया कि धातुएं सभी ध्वनिज होती हैं, बहुत मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अधातुओं में ध्वनिज नहीं होते, अर्थात अधातु किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। इस तरीके से जैसे आघात वर्धनीयता का मतलब ये भंगुर होती हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ते हुए ये भंगुर होती हैं। आघात वर्धनीयता अधातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता नहीं होती। तन्यता, ये तन्य होती हैं, ये तन्य नहीं होती, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। तो इनके लक्षणों के आधार पर, इनके गुणों के आधार पर दोनों का बच्चों इसमें डिफरेंस किया गया है। ध्वनिज, आघात वर्धनीयता, तन्यता, तनन सामर्थ्य, सुचालकता, जैसे धातुएं सुचालक होती हैं, अधातुएं कुचालक होती हैं। घनत्व, कठोरता, ज्वलन, गलनांक और क्वथनांक, धात्विक चमक, भौतिक अवस्था। तो ये 11 लक्षणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं के अंतर जो हैं इसमें दिखाए गए हैं, और जो धातुओं में लक्षण पाए जाते हैं वो अधातुओं में लक्षण नहीं पाए जाते। इस तरीके से इनको यहाँ गुणों के आधार पर इनको बांटा गया है, इनमें डिफरेंस किया गया है। धातुओं की आपेक्षिक क्रियाशीलता, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, धातुओं की आपेक्षिक क्रियाशीलता। ठीक है, वायु, जल और तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। विभिन्न डिग्री की प्रबलता अथवा ओज शक्ति के साथ होती है ये क्रिया, जो है बहुत ही पावरफुल होती हैं, शक्ति के साथ होती हैं। तो धातुएं वायु, जल और तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर सकती हैं। ये यहाँ पर दिखाया गया कि किस प्रकार धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो पहले है सोडियम जैसी धातुएं जल के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है, अर्थात Na+O2=Na2O, धात्विक ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम, मैग्नीशियम भी क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। नंबर दो है जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया जो करते हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं बच्चों? हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, जैसे Na+H2=NaOH। Na जब H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकलती है।
इसी प्रकार मैग्नीशियम क्रिया करता है, इसी प्रकार जो एल्युमिनियम धातु है वो अभिक्रिया करती है जल के साथ, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक क्लोराइड में परिवर्तित हो जाती है, जैसे Mg प्लस HCl, Mg मैग्नीशियम, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इजकल टू MgCl2, मैग्नीशियम के क्लोराइड अर्थात धात्विक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रकार जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। Al प्लस HCl इजकल टू Al2Cl3 प्लस H2। इस प्रकार जो हैं धातुएं जल के साथ, तनु अम्लों के साथ और वायु के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। खट्टे पदार्थ खाद्य पदार्थ जैसे अचार है, दही है, चटनी है, सब्जी हैं एल्युमिनियम और लोहे के बने रसोई के बर्तनों में अभिक्रिया करते हैं तथा विषैले लवण उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए भंडारण करने के लिए लोहे तथा एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा बच्चों, जब हम किचन में अपने बर्तनों का बर्तन प्रयोग करते हैं तो अधिकतर बर्तन एल्युमिनियम और ये तांबे के और एल्युमिनियम के बर्तन नहीं होते, हम स्टील के बर्तन का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, जिससे ये खट्टे जो खाद्य पदार्थ हैं उनके साथ कोई अभिक्रिया न कर लें। इसी प्रकार सोना और प्लेटिनम वायु जल और अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए उत्कृष्ट धातुएं कहलाते हैं, उनका उपयोग जेवर बनाने के लिए किया जाता है, तो इनका उपयोग हम फिर जेवर बनाने में करते हैं। धातुओं का उपयोग क्रियाशीलता श्रेणी प्रगतिशीलता, क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं के का विभाजन किया जाता है, कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं बच्चों, कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, तो जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं उनको अलग किया जाता है, जो कम क्रियाशील धातुएं हैं उनको अलग। जैसे जब हम देखते हैं तो जस्ता मैग्नीशियम तांबा ये अधिक क्रियाशील हैं तो इनको हम अधिक क्रियाशील धातुएं कहते हैं, कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवण विलयनों में से विस्थापित कर देती हैं, लेकिन कम क्रियाशील धातुएं अधिक क्रियाशील धातुओं को विस्थापित नहीं करती हैं, समझे। ऐसे परीक्षणों से धातुओं की आपेक्षिक क्रियाशीलता श्रेणी निर्मित की गई है, हालांकि उनकी क्रियाशीलता की तुलना हाइड्रोजन की क्रियाशीलता से भी की जाती है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं अर्थात जो तेजी से अपनी क्रिया करती हैं उनको हम अधिक क्रियाशील धातु, जो अपने तत्वों के अपने किसी भी पदार्थ के साथ तेजी से क्रिया नहीं करती हैं तो उनको हम कम क्रियाशील धातु कहते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल इसमें दिए गए हैं बच्चों, जैसे लोहा जिसको हम आयरन भी कहते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कॉपर अलग हो जाता है और आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट या FeSO4 का निर्माण कर देता है। देखिए बच्चों, Fe भी धातु है, Cu भी धातु है, किंतु Fe जो है Cu को विस्थापित कर देती है, अलग कर देती है और Cu के स्थान पर स्वयं आ जाती है, तो ये अधिक क्रियाशील धातुएँ हैं जो एक धातु दूसरे धातु को भी के स्थान को परिवर्तित कर देती है और खुद उसके साथ मिल जाती है, तो इस क्रिया को हम विस्थापित अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी प्रकार MgCSO4 MgSO4 प्लस Cu, ये भी मैग्नीशियम सल्फेट और Cu अलग हो जाती है, तो ये सब विस्थापित क्रिया जिसमें एक धातु ने दूसरे धातु को विस्थापित कर दिया है। बच्चों इस वीडियो में आपको यहीं तक जो धातु और अधातु में अंतर बताया गया है, क्रियाशीलता के आधार पर धातु और अधातुओं में का क्रम बताया गया है, धातुओं के रासायनिक गुण बताए गए हैं, धातुओं के भौतिक गुण बताए गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कुछ सामान्य धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम, जो अधिक क्रियाशील धातुएँ उनको ऊपर रखा गया, जो कम क्रियाशील धातुएँ बच्चों उनको नीचे रखा गया। इस पॉइंट को अगली वीडियो में आपको भेजा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें,
और जिनके बच्चों के पास फ़ोन नहीं है उनको भी हेल्प करें, फ़ोन उनको भी दिखाएं, जिससे वो भी इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और उनकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से पढ़ाया जाएगा कुछ सामान्य धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू।